क्या लग रहा है यार, बड़ा क्या लग रहा है। चिराग भाई बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, राइड को जाने का है ना, तो बोला माइक रिकॉर्ड नहीं हुआ। हमको जाने कब मिलेगा भैया, छोड़ो जल्दी सिग्नल। सामने वर्ली सी फेस का नज़ारा, और थोड़ा बादल छा जाएंगे ना तो वो सब गायब हो जाएगा। फाइनली जैसे तैसे करके करके ट्रैफिक को टॉच करते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट्रोनिक्स इंडिया, एंड अभी जाते हैं ऊपर और अपना चीता वहाँ पे पार्क किया मैंने। सफिन सॉन्ग जाते हैं कैमट्रॉनिक्स इंडिया में। क्या बोलते चिरा भाई, कैसे एकदम बढ़िया। मुझे ना माइक चाहिए एडाप्टर वाला, एडाप्टर लगाने के लिए कि खाली एडाप्टर लगा हुआ है ना अपने। हाँ एडाप्टर लगा है ना, उसी लेके गया मैं। ये देना माइक उसको, लग जाएगा। A few moments later, चलो चिराग भाई बहुत बड़ा काम कर दिया आपने, राइड को जाने का है ना, तो बोला माइक रिकॉर्ड नहीं हुआ। अच्छा हाँ, उसका क्या स्टीरियो चलेगा? चलो चलो चलो। सो चिराग भाई ने बहुत बढ़िया काम कर दिया है। आई होप कि अभी वॉइस प्रॉपर है, क्योंकि इतना खर्चा किया है एंड इतने जल्दबाजी में जो आके लेके जा रहा हूँ, सो कुछ तो वर्थ होना चाहिए।
थोड़ा मैप लगाते क्योंकि अभी दूसरे रूट से जाना है, मरीन ड्राइव से जाते हैं। ये सामने विटी स्टेशन, थोड़ा स्नैप खींचा जाए, आए हैं तो बहुत हो गया। फोटो सेशन, अभी सीधा लेफ्ट मार के कल्टिश। यहाँ पे आके अलग ही वाइब मिलते हैं यार, मतलब ऐसा लगता है कि कौन सा फ़ोटो खींचूँ कौन सा नहीं। एंड ये रहा सामने बीएमसी का मेन मुख्यालय, और ये रहा विटी स्टेशन। अभी हमको जाने कब मिलेगा भैया, छोड़ो जल्दी सिग्नल, पसीना पसीना हो रहा है अंदर से। चलो तेरा नाम आई होप कि साउंड अच्छे से रिकॉर्ड कर रहा होगा, अभी वो घर जाके पता चलेगा जब एडिट को बैठूंगा तभी, वरना कुछ पता नहीं चलेगा। माइक तो परफेक्ट फिक्स है, जस्ट मेरे लोअर लिप के नीचे ही माइक मैंने एडजस्ट किया है। अभी पेट में गुड़गुड़ 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 हो रहा है, भूख तो लगी है, देखते क्या चालू है। पीछे तो कैनन की पाव भाजी चली गई, पर पाव भाजी खाने का कोई मूड नहीं है। अभी घर जाके जो भी है पंच पकवान का आस्वाद लेते हैं। वैसे घर बोल के तो आया हूँ कि खाने पे आ जाऊँगा 4 बजे, अभी बच रहे हैं 3:15। सो एक 1.5 घंटा तो जाएगा ही घर पहुँचने के लिए। मॉरिन लाइन से थोड़ा रुकने मिला तो थोड़ा अच्छा होगा, वीडियो में भी थोड़े 4 चांद लग जाएंगे एंड टेस्टिंग भी हो जाएगी लगे हाथ। बॉम्बे में एक ही दिक्कत है यार, सिग्नल बहुत है भाई, सिग्नल बहुत है और बहुत भूल भुलैया है, बाकी सब तो बढ़िया है। थोड़ा पाव खा के हो गया, अच्छा खासी पेट पूजा तो हो गई है। थोड़ा हमंदर के पास जाते हैं, दादर चौपाड़ी के पास, कि बहुत सी यादें हैं, बहुत सी मतलब 3-4 साल कीर्ति कॉलेज में गुजारे हैं, तो डेफिनेटली सब मेमोरी रिफ्रेश हो जाएगी। एंड उसी बहाने थोड़े समंदर की हवा खाते हैं, तो क्या लग रहा है यार, बड़ा क्या लग रहा है, फूल हैं, धरती वाला माहौल है। अगर जा सकते नहीं है पर पानी अपने पास आ चुका है तो उसका ही फील लेते हैं। मल्टीटास्किंग और सामने वर्ली सी फेस का नज़ारा, और थोड़ा बादल खा जाएंगे तो वो सब गायब हो जाएंगे। लेफ्ट मारेंगे तो अपना कॉलेज आ जाएगा, जहाँ पे ये रहा कीर्ति कॉलेज, एंड उसके पीछे वाली जो गली है ये जो जा रही है ये वाला, इस कैंपस में हम लोग पढ़े हैं NMITD में। फिलहाल तो बंद है कॉलेज, और इसी गली में हम लोग का ऑलमोस्ट 3-4 साल बीत गया है। सो काफ़ी बढ़िया माहौल, बढ़िया। और ये साइड पे हम लोग ये दीवार पे बैठे रहते थे कभी जल्दी आना हुआ तो। एंड फिलहाल तो ये रोड बंद है, तो यहाँ से भी बाइक जाती थी, यहाँ से भी अच्छा व्यू आ रहा है, बढ़िया। वापस से स्नैप खींचते यहाँ से, क्योंकि एंगल इज इम्पोर्टेंट, हर जगह से व्यू आना बनता है। चलो बहुत हो गया, अभी निकलते यहाँ से। चलो कोई नहीं है, कोई नहीं है, चलो बंद करते इसको। हा, पर ज़्यादा देर रुकना भी सही नहीं है क्योंकि
बारिश चालू हो गई फिर GoPro को अंदर रखना पड़ेगा क्योंकि इसको अभी वाटरप्रूफिंग किया नहीं है। सो माइक का पोर्ट फिर एडेप्टर का पोर्ट सब ओपन है तो मैं नहीं चाहता अपने पास कोई बैकअप है नहीं दूसरा कि इसको ये ख़राब हो गया तो फिर सब खराब। इसके लिए पहले बैकअप होना ज़रूरी है देन जो पहली चीज़ है उसके वांदे लगाना। और बारिश में घूमने का बहुत मज़ा है यार अलग मज़ा है। बस अपने पास विंडशीटर और फुल पैकअप में होना चाहिए और जल्द से जल्द GoPro को भी वाटरप्रूफिंग करना पड़ेगा नहीं तो फिर हर बार ऐसा रीज़न दे नहीं सकते कि बारिश आई इसके लिए GoPro अंदर रखा ये है नो फलाना ढिमकाना। तो बेटर GoPro को ये उलान से केस को वाटरप्रूफिंग किया जाए सभी पोर्ट बंद किए जाए। कि हर बार हम लोग मोटो ब्लॉग बोलते थे पर वॉइस ओवर देना पड़ता था बट अभी ऐसा नहीं है अभी अपने पास पूरा तामझाम है उलान जी के GoPro माइक का एडेप्टर ऑल थिंग। बस अभी एडिट करते वक्त पता चलेगा कि कितना वॉइस अच्छा आ रहा है कि खारखुर आ रहा है या जैसे था वैसा ही आ रहा है साउंड वो सब पता चल जाएगा। और अगर आपको भी ये पहला वेला ऐसा बोल सकते पहला वेला मोटो ब्लॉग असलियत वाला सही में अच्छा लगा है तो प्लीज़ आपकी राय कमेंट में रखिए एंड वॉइस कैसे आ रहा है उसका भी ज़िक्र कीजिए। और यही सब हो रहा है तो लाइक कीजिए फॉलो कीजिए सब्सक्राइब कीजिए सब कर दीजिए। तो ये जो था व्लॉग ये बस मुझे माइक लेना था लेविलियर एंड या आते आते उसका टेस्टिंग भी करना था क्योंकि संडे को शायद ही प्लान बनने वाला है राइड का उसी की तैयारी क्योंकि फिर वॉइस ओवर दे नहीं सकते तो बेटर टू मोटो व्लॉग ही किया जाए। ये तो होता रहेगा आप लोग बस व्लॉग को लाइक कीजिए ये वाले क्योंकि काफ़ी बैंड बज गई यार बारिश में। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर दो हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एंड इस वीडियो में ज़्यादा मुखड़ा दिखाया नहीं हमने क्योंकि घर जाके भी मैं व्लॉग एंड कर सकता था पर मुझे काफ़ी रॉ और सिर्फ मोटो व्लॉग दिखाना था इसीलिए मैंने इसको यही बाइक पे ही चालू बाइक पे एंड किया है। सो एक्सपेरिमेंट करना ज़रूरी है एक ही बार बार दिखाओगे तो ऑडियंस भी बोर हो जाएगी। सो आपको एक्सपेरिमेंट करना बहुत ज़रूरी है। सो यार तगड़ा ट्रैफिक है चलो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए घंटी विंटी सब बजा के रखो आने वाले नेक्स्ट वीडियो के लिए। ये ट्रैफिक हवालदार रोकने से पहले चलो बाय बाय पीस आउट।